पलवल में अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर का सीआईए पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से कॉल सेंटर चल रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर लैपटॉप, एक दर्जन मोबाइल, बैंक पासबुक और चेक बरामद किए गए हैं। कॉल सेंटर में काम कर रहे दो युवक और एक युवती को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉल सेंटर में कॉल के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। कॉल सेंटर को लेकर डीएसपी संदीप मौर्य ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको दो तीन बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। तीन चार एंट्रियां होने के बाद ही खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, 3 कीपैड बरामद किए गए हैं, 1 लैपटॉप बरामद किया गया, 6 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, 4 पासबुक बरामद की गई है, 4 बैंक की चेकबुक बरामद की गई है इनसे। कैसे बरामद हुई इनसे, किस तरह से ये फर्जी करते, ये अकाउंट में ऑनलाइन या पेटीएम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवाते थे। किसी नामालूम व्यक्ति का खाता लेके उसके खाते में पैसे डलवा के उससे पैसे से निकलवा लेते थे और उस पैसे का ये फिर खुद इस्तेमाल करते थे। ये भी जांच का विषय है, अभी इसमें बताया नहीं जा सकता। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में पता किया जाएगा इन्होंने कितने लोगों के साथ चूना लगाया। अभी तक कहाँ पे चल रहा था ये, पलवल के अंदर ही चल रहा, सिटी एरिया के अंदर। लोकेशन आलापुर। Thank you.